दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे एक दोस्त ने पूछा कि सर, क्या हम पानी का TDS बढ़ाते वक्त अगर UF ना यूज़ करें तो भी पानी का TDS सेट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं? नॉर्मली दोस्तों, जो हम कनेक्शन करते हैं TDS कंट्रोलर के, TDS बढ़ाने के लिए, उसमें हम RO पंप की आउटपुट पे एक तरफ TDS कंट्रोलर लगाते हैं और TDS कंट्रोलर की आउटपुट देते हैं हम UF को, और जो T लगी होती है पंप की आउटपुट पे, उसका एक एंड जाता है मेम्ब्रेन की इनपुट को, और UF की आउटपुट और मेम्ब्रेन की आउटपुट दोनों को मिलाकर हम UF को फर्दर सप्लाई देते हैं प्योर पानी की, ताकि जो पानी आ रहा है वो बैक्टीरिया फ्री हो, वायरस फ्री हो, डिस इन्फेक्शन कम्प्लीट हो जाए। लेकिन आज जो क्वेश्चन किया गया वो ये है कि सर, हम UF नहीं यूज़ करना चाहते, तो प्लीज़ उसके अलावा हम TDS कंट्रोलर कैसे लगाएं, उसके बारे में बता दें। तो इसकी ऑप्शन ये है दोस्तों, पंप की आउटपुट पे जो हमने TDS कंट्रोलर लगाया है उसकी आउटपुट और मेम्ब्रेन की आउटपुट से जो प्योर पानी आ रहा है उसकी आउटपुट, दोनों को मिलाकर UV को आप अगर कनेक्शन देंगे तो भी आपका TDS कंट्रोलर काम कर सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ एक नुकसान हो सकता है कि अगर इन केस UV सही ना काम कर रही हो, फ्यूज़ हो गई हो या उसकी चोक ख़राब हो गई हो, उस केस में जो पानी की हम मिक्सिंग कर रहे हैं पंप की आउटपुट से, तो वो जो है प्रॉपरली पानी डिसइनफेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा रिस्क बैक्टीरिया का रहेगा। कोशिश ये करें कि आप एक अच्छी क्वालिटी की UF लगाएं, या फिर आप ख्याल रखें कि UV ऑलवेज ऑन रहनी चाहिए जब आप सिस्टम को रन कर रहे हों। तो उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा।